हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिकेत फार्मेसी एकेडमी। दोस्तों, मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी एंड सम बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारा फार्मेसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जनरल फार्माकोलॉजी जो पहला हमारा सिलेबस है, वो सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी एंड सम उसके बेसिक पॉइंट्स दिखेंगे। उससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है जो कि जनरल फार्माकोलॉजी और उसमें जो जनरल कंसिडरेशन है वो मैंने आपको बताया है, और उसके कुछ डेफिनेशन है, और फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने जो बताया है वो आप देख लीजिएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिस्ट के नाम और उसके उनके कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम देखेंगे और उनके कंट्रीब्यूशंस देखेंगे। तो सबसे पहला नाम है ओसवाल्ड स्मिथबर्ग। उसको सिंपली आप ओसवाल भी बोल सकते हैं, और वो उनको कहते हैं कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। सबसे पहले फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन थे? ओसवाल्ड स्मिथबर्ग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे इंडिया में कौन फार्माकोलॉजी के फादर थे? फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी थे कर्नल रामनाथ चोपड़ा, ठीक है। कर्नल रामनाथ चोपड़ा ये फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कौन है? सर जेम्स ब्लैक। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओसवाल, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कर्नल रामनाथ चोपड़ा, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी सर जेम्स ब्लैक, ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे जो जिन्होंने थ्योरी ऑफ ड्रग एक्शन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ रिसेप्टर्स बाय स्पेसिफिक ड्रग, मतलब रिसेप्टर्स पे स्पेसिफिक ड्रग बाइंड होने के बाद जो एक्शन आता है ड्रग का, वो थ्योरी किसने दी? वो उन्होंने दी क्लार्क ने। इन्होंने दी क्लार्क ने। क्लार्क ने कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ ड्रग एक्शन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ रिसेप्टर्स बाय स्पेसिफिक ड्रग्स, इसकी थ्योरी दी क्लार्क। क्लार्क और ड्रग एक्शन, क्लार्क ड्रग एक्शन, ठीक है। उसके बाद ओटो लोवी और कोई कुछ भी बोलिए, ओटो लोवी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रूफ दिया, डायरेक्ट प्रूफ दिया, जो ट्रांसमिशंस होते हैं हमारे नर्व जंक्शंस में वो किससे मीडिएटेड होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर से, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर से। इनका डायरेक्ट प्रूफ किसने दिया? ओटो लोवी न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। उसके बाद अर्लक्विस्ट है ना, उन्होंने क्या किया कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को अल्फा और बीटा में, तो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो इन्होंने दिया अर्लक्विस्ट, अर्लक्विस्ट का ए और अल्फा का ए, अर्लक्विस्ट अल्फा, अर्लक्विस्ट अल्फा एड्रेनर्जिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, अर्लक्विस्ट एड्रेनर्जिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो तीन है ना, बर्ग, स्ट्रॉम, सैमुअलसन एंड वेन, इन्होंने क्या किया कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इनको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला? कि पीजीज और एल्टीज, पीजीज मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिंस एंड एल्टीज मीन ल्यूकोट्रिन्स, इन पे उन्होंने वर्क किया, तो इनके लिए उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो इनको कैसे याद रखेगा? बर्ग कहेगा बर्ग, स्ट्रॉम, सैमुअलसन बोले तो सिम्युलेशन, ऐसे याद रखेगा। और वेन, वेन यानी वेन गाड़ी है ना, वैन, इससे आप याद रखिएगा। ये तीनों ने क्या किया कि पीजी और एलटीज पे वर्क किया और उनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। ये तीनों के नाम याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन इन 1921 इनकी डिस्कवरी किसने की? बेंटिंग एंड बेस्ट, डबल बी, इन्होंने क्या किया कि इंसुलिन की डिस्कवरी की, कब की? 1921 में, 1921। और उसी के बाद जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, उस पर काम किसने किया? सेंगर। सेंगर ने क्या किया? इंसुलिन के केमिकल स्ट्रक्चर पे वर्क किया। 1921 में इंसुलिन का डिस्कवरी हुई, और 1956 में इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर पे वर्कआउट हुआ, किसने किया? सेंगर ने किया, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों ये तीन नाम है, केंडाल रिस्टेन और हेंच, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। नोबेल प्राइज़ मिला किस हिसाब से? उन्होंने क्या किया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है, इसका वर्क किया उन्होंने, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का वर्क कैसा होता है, उसका यूज़ होता है, इसका वर्क उन्होंने किया, तो उनको मिला नोबेल प्राइज़। पहला नोबेल प्राइज़ किनको मिला था? फिर ये जो है ना, इस लिस्ट में नोबेल प्राइज़ मिला पीजीज और एलटीज में बेंगस्टॉप, बर्गस्ट्रॉम, सैमुअलसन और वेन, ठीक है। दूसरा इस लिस्ट पर दूसरा केंडाल रिस्टेन और हेंच, इनको मिला नोबेल प्राइज़। पहले जो पहली लिस्ट में था ना, वो जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला उनको पीजी और एलटीज पे वर्क करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला,
दूसरों को, दो तीन जनों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज होता है, इसके इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला इस वर्क के लिए। ठीक है, अभी ल्यूंडी, ल्यूंडी अभी पूरा नाम नहीं पता मुझे, ल्यूंडी जॉन्स या जेम्स कुछ तो भी है ये ल्यूंडी, इन्होंने क्या किया कि बैलेंस्ड एनेस्थेसिया नाम रखा, एक एनेस्थेसिया का टाइप है तो उसमें बैलेंस्ड एनेस्थेसिया का टर्म इन्होंने क्वाइन किया। ठीक है, उसके बाद है होरेस वेल्स, होरेस वेल्स उन्होंने क्या किया, N2O लफिंग गैस है ना, उसका इस्तेमाल डेंटल एनेस्थेसिया में किया, कब किया, 1844, 1844 में, 44 इस साल में डेंटल एनेस्थेसिया में N2O का यूज हुआ, वो किन्होंने किया, होरेस वेल्स ने। ठीक है, होरेस वेल्स ने किया N2O का इस्तेमाल डेंटल एनेस्थेसिया में। ठीक है, उसके बाद एक ग्यूडेल, ग्यूडेल ग्यूडेल उन्होंने क्या किया कि एनेस्थेसिया के 4 स्टेजेस डिस्क्राइब किए विथ इथर, इथर के साथ साथ एनेस्थेसिया के 4 स्टेजेस डिस्क्राइब किए, किन्होंने किया, ग्यूडेल ने, लगानी है ग्यूडेल फॉर एनेस्थेसिया, 4 स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया, ग्यूडेल 4 स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों सर टर्नर, ये तो आपको पता ही होगा, पक्का पता ही होगा, इन्होंने क्या किया, आइसोलेटेड एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ओपियम, नेम्ड इट अ मॉर्फिन आफ्टर ग्रीक गॉड, गॉड ऑफ ड्रीम्स मॉर्फियस, जो ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम्स है ना, गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ ड्रीम्स, ऐसे गॉड ऑफ ड्रीम्स है, तो गॉड ऑफ ड्रीम्स का जो नाम था मॉर्फियस, जो कि गॉड थे ग्रीक के, तो उनके नाम पे उन्होंने एक एक्टिव प्रिंसिपल ओपियम से ये लिया, आइसोलेट किया था, उसका नाम रखा मॉर्फिन। कुछ कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं कि कौन सा एक्टिव प्रिंसिपल या फिर कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट उन्होंने, मतलब क्या आइसोलेट किया, क्या आइसोलेट किया, तो उसका आंसर है मॉर्फिन, और किससे आइसोलेट किया, तो उसका आंसर है ओपियम। ठीक है, याद रखिएगा, सर्टर ने किससे मॉर्फिन को आइसोलेट किया, ओपियम से, और क्या क्या ओपियम से क्या आइसोलेट किया, मॉर्फिन। ये दो बहुत ही जम्बलिंग वाली क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सही समझ के पढ़ के आपको आंसर देना है। ऑप्शन में दोनों नाम रहेंगे, ये ओपियम और ये मॉर्फिन दोनों नाम रहेंगे, लेकिन किससे पूछा, तो ओपियम से, और क्या पूछा, तो मॉर्फिन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए विलियम विद रिंग, विथ रिंग, रिंग रिंग से फॉक्स ग्लो, फॉक्स ग्लो डिजिटलिस, ऐसा याद रखिएगा, WW से उन्होंने क्या किया कि मेडिसिनल यूजेस ऑफ फॉक्स ग्लो डिजिटलिस एन अकाउंट ऑफ द फ्लॉक्स ग्लो एंड सम ऑफ इट्स मेडिसिनल यूजेस विथ प्रैक्टिकल रिमार्क्स ऑन ड्रॉप्सी एंड अदर डिसीजेस, ड्रॉप्सी पे और अदर डिसीजेस पे फ्लॉक्स ग्लो का क्या क्या इस्तेमाल होता है, प्लस फ्लॉक्स ग्लो डिजिटलिस जो है ना कार्डियोटोनिक, तो जो ग्लाइकोसाइड है कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड, तो इसका इस्तेमाल मेडिसिनल यूजेस में भी हो सकता है, उसके प्रैक्टिकल रिमार्क भी किन्होंने दिए, विलियम विदरिंग ने दिए। ठीक है, ये उनका वर्क उन्होंने पब्लिश किया था, तो इसके लिए ये उनका कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, विलियम विदरिंग। ठीक है, विथ रिंग, रिंग से याद रखिएगा, विथ रिंग से याद रखिएगा, डिजिटलिस कार्डियोटोनिक। ठीक है, उसके बाद वॉगम विलियम्स एंड सिंह, सिंह सिंह ये इंडियन हो गया, सिंह और विलियम्स, विलियम विदरिंग अलग है और वॉगन विलियम अलग है। ठीक है, VW अलग है, WW अलग है। ठीक है, VWS, VWS मीन्स वॉगम विलियम्स एंड सिंह, इन्होंने क्या किया, एंटी अरिदमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एंटी अरिदमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, इल्ड्रिज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉल इल्ड्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है फार्मेसी वर्ल्ड में, पॉल इल्ड्रिज उन्होंने क्या किया कि कीमोथेरेपी कॉइन किया टर्म, जो कीमोथेरेपी आप बोलते हैं, जो नाम बोलते हैं उनको क्वाइन किया, किन्होंने, पॉल इंडिज ने। ठीक है, उसके बाद उसका यूज द आइडिया दैट इफ सर्टन डाइज कैन सिलेक्टिवली स्ट्रेन द माइक्रोब दे कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक टू द माइक्रोब्स, मतलब कुछ ऐसे डाइज है जो कि माइक्रोब्स को दिखाते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स को माइक्रोब को वायबल करते हैं, तो वो जो डाइज है वो मे बी उनके लिए, वो माइक्रोब के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, तो ये जो आइडिया है ना ये किन्होंने दी, इंग्लिश ने दी। ठीक है, इरलिच, ठीक है, पॉल इरलिच, पॉल भी आ सकता है, इरलिच भी आ सकता है। प्लस उन्होंने क्या किया, डेवलप द आर्सेनिक कंपाउंड दैट इज सल्वारसन, सल्वारसन इंपॉर्टेंट है कि सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए इल्ड्रिच ने कौन सा आर्सेनिक कंपाउंड डेवलप किया, तो उसका आंसर है सल्वारसन। ठीक है, ये आंसर आपको याद में रखना है, सिफिलिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एक कंपाउंड है जो कि सल्वार्स कौन जो कि इल्ड्रिच ने, पॉल इल्ड्रिच ने डेवलप किया, उसका नाम है सल्वारसन। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सल्वारसन का यूज होता है सिफिलिस में यूज होता है, और इन दोनों का, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनका डिस्कवरी किसने किया, इनका डिस्कवरी या फिर डेवलपमेंट किया एरलिस ने, पॉल एरलिस ने। ठीक है, अभी आता है डोमाग, ये भी इंपॉर्टेंट है, डोमाग जो कीमोथेरेपी टर्म जो क्वाइन किया वो एरलिस ने किया, और जो उसका मॉडर्न इरा ना कीमोथेरेपी का मॉडर्न वर्क से, जो मॉडर्न मॉडर्न जो डेवलपमेंट से जो डिस्कवरीज है
वो उनको किसके नाम पे, डोमाक के नाम पे, ठीक है, डोमाक के नाम पे उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेटेड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ प्रोटोन सील कंटेनिंग सल्फोनामाइड इन पायरोजेनिक इन्फेक्शन। जब पायरोजेनिक इन्फेक्शन होता है तो प्रोटोन सील का जो थेरापेटिक इफेक्ट है ये उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है। प्रोटोन सील में क्या होता है, सल्फोनामाइड होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटोन सील का जो डिस्कवरी है तो फिर डेमोन्स्ट्रेशन ही वो डोमाक ने किया। प्रोटोनसिल, डोमाक, डोमाक प्रोटोनसिल सल्फोनामाइड, ठीक है। उसके बाद पायरोजेनिक इन्फेक्शन की में जो प्रोटोनसिल यूज होता है वो डोमाक ने किया, ठीक है। और फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था पेंसिलिन का डिस्कवरी करने वाला। वर्लमन सलमन वॉक्समन, ठीक है, सलमन वॉक्समन, उन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन की उन्होंने डिस्कवर किया, सलमन वॉक्समन, यस 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 सलमन, यस स्ट्रिप्टोमाइसिन, सलमन वॉक्समन डिस्कवर्ड स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। वे आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसेंशियल ड्रग्स। इसेंशियल ड्रग्स का फर्स्ट जो मॉडल है जो WHO ने निकाला है वो है 1977 में, इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो कि 1977 में WHO ने वर्ल्ड वाइड में निकाला था। इंडिया में कब निकला था, 1996 में निकला था, जो कि नेशनल ईडीएल जो फर्स्ट है, फर्स्ट नेशनल ईडीएल इंडिया में 1996 में निकाला था। उसके बाद जो करंट एडिशन है वो 17 थे, वो जो गगन गुप्ता है, जो लेटेस्ट एडिशन तो नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू गगन गुप्ता ये 17th नेशनल लिस्ट है, ठीक है, ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। इट वाज मॉडिफाइड इन 2011 में ये मॉडिफाइड हुआ था, उसमें 348 ड्रग्स थे, ठीक है। अब ये देखिए उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर जो कि स्वीडन में, ये इंपॉर्टेंट है, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर का है, स्वीडन में है, तो ये इंटरनेशनल कोलाबरेटिंग सेंटर फॉर फार्माकोविजिलेंस है, फार्माकोविजिलेंस के लिए इंटरनेशनल कोलाबरेटिंग सेंटर है उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया में है ना वो है CDSCO। CDSCO का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, ठीक है, ये इंडिया में फार्माकोविजिलेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, ये जो एक प्रिंसिपल है, ये जो डेमोन्स्ट्रेट हुआ था ना फर्स्ट टाइम, तो उसका यूज़ हुआ था एर्गोट अल्कोलाइड का। किसका यूज़ हुआ था, एर्गोट अल्कोलाइड का यूज़ हुआ था। तो ये वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड विथ एर्गोट अल्कोलाइड, एर्गोल अल्कोलाइड के साथ ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेंट्रोमैन, सेंट्रोमैन और स्केंड्रोमैन आपको जो बोलना है। सेंट्रोमैन इज एन नॉन स्टेरॉयडल सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये जो नॉन स्टेरॉयडल सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है ना, ये सेंट्रोमैन है। ये कहाँ डेवलप हुआ था, CDRI में डेवलप हुआ था इंडिया में। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप हुआ था एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। एक सिंथेटिक टॉक्सिन है यन मिथाइल फोर फिनाइल टेट्राहाइड्रोपिरिडोन, जो कि MPTP के नाम से जाना जाता है, वो नाइग्रोस्टियल डिजेनरेशन एंड मैनिफेस्टेशन करता है, जैसे कि पार्किंसन डिसीज में होता है। नाइग्रोस्टियल डिजेनरेशन के में क्या होता है कि डोपामिन की लेवल कम हो जाती है, फिर अगर नाइग्रोस्टियल डिजेनरेशन हुआ तो, ठीक है, इसीलिए क्या कॉज होता है, फिर पार्किंसन डिसीज कॉज होता है। सिमिलर टू द पार्किंसन डिसीज ये जो है टॉक्सिन, जो सिंथेटिक टॉक्सिन यन मिथाइल फोर फिनाइल टेट्राहाइड्रोपिरिडोन MPTP, ये भी सिमिलर इफेक्ट कॉज करता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ब्लाउट स्पील, ब्लाउट स्पील्स जो होते हैं ना फॉर एनीमिया के लिए यूज़ होते हैं, तो उसमें क्या है, FeSO4 होता है और पोटेशियम कार्बोनेट होता है, FeSO4 और पोटेशियम कार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। उसके बाद एक्सट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, एक्सट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल किसे बोलते हैं, विटामिन B12 को, B12 को क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ठीक है। उसके बाद क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना B12, इसीलिए। उसके बाद विटामिन के का ऐसा आइसोलेट होता है अल्फा अल्फा ग्रास से। विटामिन K1 K2 जो है ना ये अलग अलग से ये होता है, जो K1 है वो प्लांट से ये होता है, K2 फिर इंटेस्टाइन के जो ये मुझसे होता है इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेड पॉइजन में ओरल एंटीकोगुलेंट होता है लाइक वारफेरिन। रेड पॉइजन में क्या होता है, ओरल एंटीकोगुलेंट होता है लाइक वारफेरिन, ठीक है। उसके बाद जो वारफेरिन का नेम है, वारफेरिन ड्रग का जो नेम है वारफेरिन, तो ये क्वाइन फ्रॉम, ये किसे क्वाइन होता है, विस्कॉन्सिन एल्यूमनी रिसर्च फाउंडेशन एंड इट्स केमिकल स्ट्रक्चर बेइंग कुमारी। उसके बाद न्यू फार्मूला WHO का, ORS का जो WHO का फार्मूला है वो दिखे 2002 में रिलीज हुआ था। उसमें जो लो सोडियम की लेवल है वो लो होती है 75 mm होती है, लो ग्लूकोज की लेवल होती है 75 mm होती है, दोनों 75 mm होती है, और जो ऑस्मोलरिटी होती है लो ऑस्मोलरिटी वो होती है 245 mm ऑस्मोलरिटी पर लीटर, ये याद रखिएगा 245 mOSM पर लीटर, और दोनों का जो ग्लूकोज और सोडियम का लेवल होता है वो 75 mm होता है, ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स जो ड्रग है
क्विनोडोक्लोर और आइडोक्लिनोल, ये जो ड्रग है ये पहले अमेबिक डिसेंट्री के लिए यूज होते थे, बट ये जो है ना ये जापान में बैन हो गए, क्योंकि इसमें क्या कॉज होता था कि एपिडेमिक सब एक्यूट माइलियो ऑप्टिक न्यूरोपैथी, SMON, सब एक्यूट माइलियो ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉज होता था, इसलिए वो जापान में और कई अदर कंट्रीज में बैन हो गया। तो क्यों बैन हो गया, क्योंकि क्विनोडोक्लोर और आयोडोक्विनोल का जो अगर लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो वो एपिडेमिक कॉज करता है, एपिडेमिक पैंडेमिक, ये बहुत से अलग अलग टर्म्स है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए, ये आपको मैं बाद में समझूंगा। तो पहले एपिडेमिक क्या कॉज करता, फिर मतलब एपिडेमिक मतलब उसी सोसाइटी में, उसी पर्टिकुलर कंट्री में मोस्ट ऑफ द पॉपुलरिटी में सब एक्यूट माइलियो ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉज होता था, इसलिए ये जापान में और अदर कंट्रीज में बैन हो गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों थैलीडोमाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड फेमस एक केस है। थैलीडोमाइड कॉज फोकोमिलिया, फोकोमिलिया मतलब अब्सेंस ऑफ लिम्स। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन रहेगी, फर्स्ट टाइम 1960 में ये केस सामने आया था जर्मनी में, तो उसमें क्या होता है, एक प्रेग्नेंट लेडी ने थैलीडोमाइड की मेडिसिन ली थी, क्योंकि उस वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए, जो कि मॉर्निंग सिकनेस की वजह से होता है, उसको ट्रीट करने के लिए थैलीडोमाइड का ली थी मेडिसिन, तो उसकी वजह से उनका जो बेबी हुआ तो उनको फोकोमिलिया हो गया। ठीक है, फोकोमिलिया हो गया, तो फोकोमिलिया मीन्स अब्सेंस ऑफ लिम्स नहीं होते, दो हाथ दो पैर नहीं होते वो बच्चे को। ठीक है, याद रखिएगा, थैलीडोमाइड कॉज फोकोमिलिया इन जर्मनी, ये केस कब हुआ था, इन जर्मनी 1960 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद मतलब यूज़ फॉर, क्यों यूज़ होता था थैलीडोमाइड, क्योंकि वोमिटिंग ट्रीट करने के लिए, जो कि मॉर्निंग सिकनेस की वजह से होता है। ये भी ये देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक है, फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक कोकेन है 1884 में, और ऑक्यूलर एनेस्थेसिया मतलब आँखों को भूल देने के लिए 1884 में कोकेन का इस्तेमाल होता था। तो फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक जो था कोकेन था, और फर्स्ट आईवी एनेस्थेसिक कौन था, फर्स्ट आईवी एनेस्थेटिक था थायोपेंटोन। आईवी मतलब आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शन, पैरेंटल में देने वाला था थायोपेंटोन, और लोकली देने वाला था कोकेन, याद रखिएगा। ड्रग नहीं, फर्स्ट ड्रग फॉर सिजोप्रेनिया, सिजोप्रेनिया में डिमेंशिया, बहुत से कॉज होते हैं, दिमागी बीमारी है ये सिजोप्रेनिया, तो उसमें फर्स्ट ड्रग कौन सा यूज़ होता, क्लोरप्रोमेजिन, कौन सा यूज़ हुआ था क्लोरप्रोमेजिन। ठीक है, फर्स्ट ACE इनहिबिटर ट्रिप्रोटाइड, और फर्स्ट ओरल ACE इनहिबिटर कैप्टोप्रिल। ठीक है, ये याद रखने के लिए ओरल से कैप्टोप्रिल और ACE इनहिबिटर, सिर्फ ACE इनहिबिटर पूछा तो ट्रिप्रोटाइड। ठीक है, फर्स्ट फिब्रिनोलाइड कौन सा था, स्ट्रिप्टोकाइनेस था। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन था, और फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर कौन सा था, पास था, मतलब सबसे पहले ट्यूबरकुलर एजेंट पास था पैरामिनोसल्फ्यूरिक एसिड, बट सबसे उससे भी पहले स्ट्रिप्टोमाइसिन था, लेकिन स्ट्रिप्टोमाइसिन एज अ कम्प्लीमेंट्री लिया जा रहा था, तो इसलिए जो सेकेंड लाइन ड्रग में ये पास यूज होता है। ठीक है,